बादशाही मस्जिद में मौजूद हूँ। आज का हमारा भी लोग बादशाही मस्जिद में है। हमारे दो टूर हो चुके हैं लाहौर के अंदर, ये दूसरा टूर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोबारा फिर से लाहौर का व्लॉग बनाने के लिए मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो ठंडी ठंडी हवा और बारिश भी साथ लगी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि बारिश कहीं तेज़ ना हो जाए, उम्मीद है बल्कि हो जाएगी। जैसा मुकाम बना मैं बारिश का कि मुझे लग रहा है कि बारिश तेज़ हो जाएगी, और साथ हवा भी चल रही है, काफ़ी ठंडी चल रही है, लगता है सर्दी दोबारा से आ रही है। तो अपनी अपनी जल्दी जल्दी से जराबे टोपियाँ वगैरह सब कुछ निकाल लो, जर्सी वगैरह निकाल लो, ताकि सर्दी वापस आ रही है। तो है जैसे भी धूप चढ़ी फिर तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी हम रास्ते में ही हैं। तो लो जी, हम मस्जिद की हदूद की तरफ इंटर हो चुके हैं, और ये हमारा कुछ चंद मिनट का सफ़र रह गया है, फिर हम मेन गेट पर चले जाएँगे, वहाँ से हम एंट्री करेंगे, फिर साथ अंदर का मनाजर भी आपको दिखाएंगे कि अंदर के मनाजर कैसे हैं और ईद के दिनों में कैसा रश होता है। और आपको पता भी है कि ईद का एक हफ़्ता काफ़ी इन जगहों पर रश होता है। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, आप देख ही रहे होंगे, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है। बस ये चंद मिनट, तकरीबन एक मिनट का और फासला है हमारा पहुँचने वाले हैं। सामने आपको नज़र आ भी रही होगी मस्जिद, और आज रश भी काफ़ी है। तो दरवाज़ा मंदिर इंटर हो चुके हैं, और आप देख लें अभी रश बहुत कम है, बहुत कम है मेरे ख़्याल से। और कुछ चंद लम्हों बाद इधर आपको इतना रश नज़र आएगा कि समझे कि लाहौर पूरा है। और माशाल्लाह काफ़ी रश होता है ईद के दिनों में, आपको पता ही है जितना रश होता है। ये बाहर वाला हिस्सा है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मस्जिद के बिल्कुल सामने, अंदर इंटर होने से पहले यहाँ। तो ये अभी बाहर के मनाजिर हैं, अभी हम अंदर इंटर नहीं हुए। ये अभी जो भी दिखा रहा हूँ मैं अभी बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ फैमिली रहती हैं, वो भी साथ मिलते हैं, तो साथ मिल के जाएंगे हम अंदर। हम तकरीबन 15 से 20 लोग हैं इकट्ठे मिल के चुके हैं। मैं तो और सीधा मैं कैमरा इसलिए नीचे इसलिए नहीं लगा रहा, नीचे बहुत रश है और लोगों की फैमिली भी जहन से बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज मैं दूसरा विजिट लाहौर शाही मस्जिद में हूँ, अभी मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ, देखते हैं कुछ मनाजर। और अभी रश कम है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रश ज़्यादा होता जाएगा। तो ये देखें बहुत खूबसूरत मनाजर नज़र। लाहौर के अंदर ये दूसरा टूर है, और कल का हमारा जो वो भी पिज़्ज़े का रहा है, आज इंशाल्लाह हमारी वापसी भी हो जाएगी। शोर की वजह से मेरे पास माइक था, माइक ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे मोबाइल का ही माइक यूज़ करना पड़ रहा है। ऑन तुम क्या कर रहे हो? ऑन ओए शहजादे खड़े हो जाओ। ये भी कज़न है, ये भी कज़न है, और ये कज़न थोड़ा गुस्सा हो रहा था किसी वजह से, अभी माशाल्लाह देखे स्माइल चेहरे पे आई हुई है, देखा? तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। तो अभी निकल चुके हैं हम वापस, क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम हो रहा था, क्योंकि सीटें करवाई हुई थी हमने, इसलिए गाड़ी वाला कॉल कर रहा था। तकरीबन हम 15 मिनट लेट हो चुके थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी मैंने व्लॉग भी शॉर्ट कर दिया, वापसी के लिए रवाना हो गए। ये मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा, मैंने कहा कि अभी निकल रहे हैं तो बता देना लाजम है, क्योंकि लास्ट वाले सीन मैंने मिस कर दिए सारे, बाहर आते वक्त मैंने नहीं बनाया व्लॉग कोई भी, उसके लिए माजूर हूँ।
क्योंकि लेट काफ़ी सारे हो गए थे और कुछ फैमिली इस गाड़ी में है, कुछ बॉयज़ बाइक पे हैं, कुछ गाड़ी में हैं, तो टाइम की किल्लत थी बहुत ज़्यादा, जिसके लिए मुनासिब नहीं मैंने समझा कि मैं कंप्लीट करूं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कुछ नया दिखाएंगे। वापस हम पहुँच आए हैं अपने घर, लाहौर के दो दिन विजिट थे वो किए हैं, चिल किए ईद के कुछ दिन, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पर मेरे बच्चों को, ये बहुत इस मौके पर बहुत खुश होते हैं, कोई भी बच्चे हैं खुश तो होते हैं बारे वगैरह में लेके जाएं तो, ख़ुद भी चिल किए और साथ फैमिली भी थी माशाल्लाह, तो अच्छा घूमे फिरे, हमारे विजिट बहुत अच्छे रहे, लोग भी अच्छे रहे हैं। तो घर भी हो गई थी, जहरी सी बात है, घूमे इतने, चिल भी हमने किया है तो थकावट तो होनी थी, तो कुछ देर रेस्ट की है, उसके बाद फिर उठाऊँ, नाश्ता वगैरह किए, खाना वगैरह खाया। कमेंट में ज़रूर बताना है हमारे व्लॉग आपको कैसे लगे हैं, कैसे नहीं लगे, और ज़रूर बताना है मेरी वीडियोज़ का रिजल्ट कैसा है और मेरी वॉइस कैसी है। अगर मेरी वीडियोज़ में व्लॉग में किसी भी पैसा हो रही है तो ज़रूर आपने मुझे इनबॉक्स में मेरे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ये इशू है, ताकि मैं अगले व्लॉग में वो सॉल्व कर सकूं। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी, बेल घंटी को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द पहुंचे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।